हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और जनाब टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उसकी एनर्जी। काफ़ी दिन हो गए थे, ऑलमोस्ट एक वीक से ज़्यादा हो गया मैंने ये एनर्जी अपलोड अब नहीं की। आई थॉट टू अपलोड इट टुडे। ठीक है, ट्रिकी है, बोल्ड है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने रिस्क पे देखिएगा और इस एनर्जी की बेसिस पर कोई डिसीजन मत बनाइएगा। पर्सनल रीडिंग में और जनरल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है, बट रीडिंग फिर भी आपसे रेजोनेट करती है। वही मैसेज लें जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लग रहे हैं। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं अकॉर्डिंग टू द टाइटल। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने ऊपर इम्पोज कर लें कि नहीं भाई यही मेरी सिचुएशन है, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वही मैसेज लीजिएगा। कहने का मकसद ये कि वो मैसेज लें जो आपको वाकई पता है। आज मैं थोड़ी सी रिवर्स रीडिंग कर रही हूँ। मैं सबसे पहले एनर्जी ओरेकल से आपके रिलेशनशिप की, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आपका है, उसकी मैं एनर्जी चेक करूँगी और फिर मैं टैरो से क्लेरिफाई करूँगी। सही है, वरना अमूमन होता है कि मैं पहले टैरो से देखती हूँ और उसके बाद मैं एनर्जी चेक करती हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल एनर्जी पहले चेक करते हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, और फिर देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जो भी फैक्टर या जो भी मतलब सिग्निफिकेंट साइंस नज़र आएंगे, कोई क्वेरी नज़र आएगी, तो मैं उसी हिसाब से प्रोग्रेस करूँगी। ठीक है, कोई प्लान सेट डेक्स मैं नहीं निकाल रही। ऑलराइट, लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, डेक बहुत बड़ा है तो अच्छी शफलिंग कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंजल ऑफ बैलेंस, फॉर मी इट्स लाइक अ टेम्परेंस, केयरिंग कनेक्शन, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कोई क्रश भी लग सकते हैं ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। ठीक है, ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, थर्ड चाक्रा आर्कियंजल कैम्यूल। ऑलराइट, तो ये सेक्रल चाक्रा है, एक तरीके से पैशन का चाक्रा है। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। बहुत ही रोमांटिक सी और बड़ी ही बैलेंस सी जो है वो एनर्जी आई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन आई मस्ट से। lots of messages, right? I was right. मैं सिर्फ एक चीज़ कन्फर्म करना चाह रही थी, मैंने कहा कहीं गलत ना हो जाए, बिकॉज चाक्रास जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, तो समटाइम्स बेस चाक्रा में और थर्ड चाक्रा में जो है वो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। बॉटम ऑफ द डेक द सन, कोई गुड न्यूज़ है जनाब? गुड न्यूज़ उस तरह की गुड न्यूज़ ना हो जाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बट गुड न्यूज़ कुड बी इन एनी सॉर्ट। चल स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जनाब, एक बहुत ही ब्यूटिफुल और एक बहुत ही केयरिंग कनेक्शन है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो मोहब्बत देने वाला एलिमेंट है वो मेल पर्सन का है, यानी कि जो मेल पार्टनर है। ठीक है, आप बहुत ही यानी जो व्यूअर्स हैं बहुत शाय समझने या बहुत हेजिटेंट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक इम्प्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी पर्सनालिटी इम्प्रेशन किसी को इंसान लेता है ना, तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, यानी जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हैं, कि यू डोंट नीड एनीवन, यू आर अ कम्प्लीट बैलेंस पर्सन एंड यू आर एन एंजल फॉर देम। यानी यू आर नॉट एन एंजल फॉर देम, यू आर एन एंजल फॉर एवरीबडी। आप एक अपनी ही दुनिया में, अपने ही तन तनहा, यानी आप सहराओं में भी चले जाएं, आप पहाड़ों में भी चले जाएं, आप दरियाओं की तरफ भी निकल जाएं, आप वादियों में भी निकल जाएं, तो आप अकेले रहना और अकेले रहकर अपनी तन्हाई में भी खुश रहना जानते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ फोर्सफुली ट्राइंग टू एंटर इन योर लाइफ, ताकि ये आपसे ज़्यादा, इनको लगता है ये इनकी खुद की नीड है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर मैं एनर्जी इस वक्त चेक करूँ। आपकी तरफ से इनको कोई क्लोजर मिलता नहीं है, जबकि ये खुद भी इसी तरह के किसी एक्सपीरियंस से गुजरे हैं।
और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा भी फील होता होगा कि ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं एक औरत होते हुए ये मर्द में होनी चाहिए और एक मर्द होते हुए ये औरत में होनी चाहिए। यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है और जो मेल हैं उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, यानी कि अब इसको मैं डिफ़ाइन इस तरह से करूँ कि आप खातून हैं, आप एक लड़की हैं, आप एक औरत हैं, लेकिन आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, आपको सारे वो काम करने पड़ते हैं जो कि एक प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मर्द को करने चाहिए। और जो मेल व्यूअर्स हैं, आप मेल हैं लेकिन आपको वो तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि एक औरत को करनी चाहिए, यानी कि इमोशंस का जाहिर करना, प्रोटोकॉल देना और लवी डवी बातें करना, यानी कि ये मेल डोमिनेंसी सोसाइटी के अंदर ये होता भी है। तो इस वजह से ये शख्स खुद भी इस ट्रॉमा से गुज़रा है, जिसकी वजह से इसको अंदाज़ा है कि एक पर्सन मोहब्बत के हिसाब से किस ट्रॉमा से या किस महरूमी से गुज़रता है। अब जाहरी सी बात है ये एक्स्ट्रा मैरिटल है तो डेफिनेटली आप दोनों ने सिमिलर लाइफ स्टाइल, एक सिमिलर पीरियड ऑफ लाइफ गुजारा है। अब गुजारने में हुआ ये है कि जो रिलेशनशिप को चीज़ें मेंटेन करती हैं इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेस्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका एक्सपीरियंस आपको है, तभी तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। अब जो एलिमेंट आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कमी रह गई है या रह गए अधूरे, उनको कंप्लीट करने का हुनर इस पर्सन को आता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये खुद भी हॉलो हैं। अगर आप इस इमेज को देखें तो इस पर्सन के पास देने के लिए, आई मीन दे आर होल्डिंग, अपना दिल हाथ में लेकर बैठे हुए देने के लिए, लेकिन खुद अंदर से ये खुद भी खाली हैं। तो एक तरीके से ये रिलेशनशिप जो है, अगर ये आप लोग फिज़िकल हैं और आप लोगों की फ़िज़िकल इंटीमेसीज में इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ सिर्फ यहाँ तक फुलफ़िल नहीं होती, देर आर लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं, और ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक उन चीज़ों को फुलफ़िल करते भी हैं। यानी मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको लगता होगा कि इनका इनपुट जो है वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा है, और ये आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपका इनपुट कम है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को भी ये नज़र आता है कि आप एक तो आपको नीड ही नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और जब नीड नहीं है फिर भी इन्फ्लुएंस है, बट व्हेन यू आर विद देम यू आर कम्प्लीटली विद देम, यानी कि एक ही चीज़ बहुत अच्छी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि जब आप दोनों की एनर्जी मिलती है तो आप लोग बहुत कुछ इंटीमेसी के अलावा, एक रोमांस के अलावा, मतलब बहुत सारी अच्छी बातों के अलावा आप लोग खुश बहुत होते हैं। सिर्फ एक दूसरे का ख्याल भी अगर आ जाता है तो बहुत खुश होते हैं, एंड दिस रिलेशनशिप इज़ गिविंग यू हैप्पीनेस, चाहे इसको आप डिनाई करें, एक्सेप्ट ना करें, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको खुशी दे रहा है। और अभी तो रिसेंटली ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 48, बहुत मैच्योर, यानी बिल्कुल नियरली टू 50s की एज है, और उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर होता है तो ये अंडरस्टूड सी भी बात है बिकॉज इन्हीं एजेस में होता है। ये कनेक्शन बहुत एज डिफरेंस को भी वो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि एज डिफरेंस है, यानी कि अगर कोई 37 ईयर्स का है और अगर कोई 48 ईयर्स का है तो ऑलमोस्ट इट्स अ 9 ईयर्स ऑफ डिफरेंस, लेकिन फिर भी जब आप दोनों साथ हैं तो आप लोग बिल्कुल टीनेज एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो टीनेज एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर पैशन और एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल यंग लवर्स की तरह की होती है। तो ये इस वक्त बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को देखा जाए तो येस, योर पर्सन एडमायर्स यू अ लॉट बिकॉज दे टेक यू कि आप बिल्कुल एक बैलेंस पर्सन हैं, आपके अंदर हर वो सलाहियत है जो रिश्तों को, लोगों को, मसलों को बैलेंस कर लेती है, और आप अपने अंदर ही एक एंजल हैं जो कि इस कनेक्शन की प्रोटेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कैसे चलना है, इस कनेक्शन के अंदर जुड़े कैसे रहना है, ये बहुत हद तक इनको केयरिंग कनेक्शन लगता है। आपको लगता है कि जब आप दोनों एक साथ हैं तो एक दूसरे को सूद कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, हर वो खला पूरा कर रहे हैं जो कि एक दोनों की लाइफ में रह गया है। आपके पर्सन खोखले हॉलो होने के बावजूद भी आपको बहुत कुछ देने को तैयार हैं, प्लस आपके लिए फिज़िकल डिज़ायर भी उनको बहुत फील होती है और उनको खुशी होगी
मतलब यहाँ पर मैंने एक मैसेज चैनल किया कि उनको खुशी होगी कि आप राज़ी हो जाएं, क्यों विद द एंजल ऑफ बैलेंस आप ये इम्प्रेशन दे नहीं रहे कि आपको किसी फिज़िकल अर्ज की या किसी फिज़िकल चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन आपका बैलेंस करना उनकी डिज़ायर ज़रूर है, उनकी डिज़ायर ये है। और अगर आप इस बात के लिए हाँ कर लें, देखिए आई विल बी वेरी फेयर, एडल्ट रीडिंग है ये, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई बच्चों की रीडिंग तो नहीं होती, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँगी वो ये ख्वाहिश करते हैं। आप बड़े बैलेंस हैं, आपका कंट्रोल बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आप उनकी इस बात में जिसे कहना चाहिए ना राज़ी हो जाएं, तो इससे बड़ी खुशी और होगी नहीं। बट उनका कंट्रोल है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो आपके कंट्रोल को देखते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ही लेते हैं, लेकिन जब कभी भी मौका मिलेगा तो फ्लर्ट करने से बाज नहीं आएंगे। यस, वो आपको मैरिज मटेरियल के तौर पे भी देखते हैं, और हो सकता है विद द सन कार्ड जो खुशी की बात है वो ये हो कि वो आपको प्रपोज भी कर दें, ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप सिंगल हो, यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस है और यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन है, ये प्रपोजल की भी बात है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आप डिवोर्सी, आप सेपरेटेड हो सकते हैं, और सेपरेटेड और डिवोर्सी होने की वजह से ये आपको ऑफ़र करें, क्योंकि फैमिली का कार्ड आया है और ये चीज़ शायद आपकी आपकी लाइफ में आगे प्रोग्रेस होगी कि ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। एज डिफरेंस की मैंने बात बताई, तो डेफिनेटली या तो आप एज में बड़े हैं या आपके पार्टनर एज में बड़े हैं, और फैमिली बनाने की बात है तो शायद आपके कुछ फियर्स हों, आपकी लाइफ आपको लगता है कंप्लीट हो गई है विद द एंजल ऑफ बैलेंस, आपको लगता है कि अब आप शायद सर्व नहीं कर सकेंगे, बट दिस पर्सन इज़ नॉट लूजिंग होप, ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्रपोज करेगा मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक तो सन का कार्ड है जो कि हैप्पीनेस का कार्ड है, खुशी का कार्ड है, और दूसरा इमोशंस, पैशन बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अपीलिंग बहुत ज़्यादा है, सेक्स अपील बहुत ज़्यादा है, और साथ में फैमिली का कार्ड आया है, यानी नंबर फोर जो कि शादी का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, चीज़ों को फॉर्म में लाने का कार्ड होता है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। लेट्स सी टैरो के थ्रू आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या है, लेट्स सी, इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। आज की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग इंटेंस नहीं है, टेंस नहीं है, डीप नहीं है, हैवी ड्यूटी वाली रीडिंग नहीं है, अच्छी रीडिंग है, अच्छी लाइट में है। कुछ लोग आजकल उनके साथ साथ आसपास में शाहरुख खान की वाली बात के वायलेंस बज रहे होंगे, और आपको शायद खुद भी आपके पर्सन आपके ठंड प्रोग्राम से बड़े इरिटेट होते हैं कि यार ये इनको कुछ एहसास ही नहीं होता, वो वाली बात है। एंड दिस मेक्स यू यू नो वेरी यूनिक, ये बात बहुत अच्छी है, इसीलिए शायद ये आपको मैरिज के लिए कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज दे लाइक योर कैरेक्टर। एक्स्ट्रा मैरिटल में देखें हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, सिचुएशन टू सिचुएशन मैच मैटर करती है बात। हो सकता है आप सिंगल हों या मैरिड हों, हो सकता है आप मैरिड होकर डिवोर्स ही सेपरेटेड हो गए हों और ये सिंगल हों, तो हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दूसरे वाले मायनों में नहीं लिया जाए। ये एक्चुअली टर्म ऐसी है कि इसको लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज गिव अस, ओके, द चैरियट, द हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। चले कन्फर्म हो गई जो मैं बात अभी कह रही थी, वो कन्फर्म हो गई कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, खूबसूरत हैं, अपीलिंग हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, ब्यूटी वाइज हेल्थ वाइज आपके पास इतना है कि आप हर उस तरह, मैंने कहा था ना कि मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड वाइस वर्सा इस वक्त हुई हुई है, और आप एक फ़ीमेल होते हुए आपकी तमाम एक्टिविटीज़, आप बिज़नेस लेडी हो सकती हैं, बिज़नेस वुमेन हो सकती हैं, आपको यानी आपके पार्टनर एक तरीके एक वक्त में ये भी सोचते हैं कि मैं कौन सा ऐसा पत्ता फेंकूं कि ये बंदी मुझसे पटे, ठीक है। और आपकी और जो आप अगर आप मे आपकी मतलब आप फीमेल हैं और आपके पार्टनर मेल हैं, तो आपके पर्सन जो हैं वो बड़े बैलेंस्ड हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, वो नाइन विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स उन्होंने लाइफ में इतनी लेगेसी क्रिएट कर ली है कि हाँ वो ये एक बात ये ज़रूर कहते होंगे कि फिज़िकल इंटीमेसी को फुलफ़िल करने के लिए पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है, लेकिन जो चीज़ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉन्ड में आए, और फिर कोई जो मैंने कहा था ना कि डिज़ायर है, आप हाँप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर, इसीलिए बहुत हद तक वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, खामोश हो जाते हैं, जबकि दिल में बहुत ख्वाहिशात हैं, बहुत चीज़ें हैं कहने के लिए, और फूटे भी पड़ती हैं,
यानी कभी कभी तो इतनी फूटे पड़ रही होती हैं कि समझ में भी नहीं आता कि वो किस तरीके से आपको बताएं कि वो आपके लिए किस हद तक की डिज़ायर्स रखते हैं विद द चैरियट कार्ड। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बात यह आ रही है कि आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई डिसीजन तो ज़रूर बन गया है, आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ ज़रूर डिसाइड कर लिया है विद द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड एक कमांड का कार्ड होता है, कंट्रोल का कार्ड होता है, बिखरी हुई चीज़ों को समेट लेने का कार्ड होता है, और एक ऐसा पर्सन जो कि अगर आप देखें तो उसको नहीं पता कि उसकी फ़ौज कहाँ जा रही है, उसकी मतलब पूरी की पूरी लश्कर कहाँ जा रहा है, लेकिन उसको फ़ौरन से गिरफ्त करना आता है। तो यहाँ पे वाली बात है कि यहाँ पर जज्बात की इतनी वो है, वॉर ऑफ इमोशंस, इतने सारी चीज़ें हैं कि उसको आपके पार्टनर ने उसके ऊपर लगाम हासिल कर ली और कोई डिसीजन बनाया है, और वो बहुत स्ट्रांगली, यानी अगर वो दो कश्तियों के शिकार थे तो अब उन्होंने फैसला कर लिया है। अब फैसला क्या किया है, आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, यू नो इट वेरी वेल, लेकिन डिसीजन बनाया है। और विद द फैमिली कार्ड आई फील कि बहुत से लोगों की तरफ प्रपोजल आ रहा है, बट आई कैन नॉट कन्फर्म दिस। मैं क्योंकि ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो लेट्स सी कि ये डिसीजन मेकिंग, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि चैरियट किस चीज़ का कार्ड है। अगर कब्स की एनर्जी आई तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इमोशन से रिलेटेड होगा। लेट्स सी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डिसीजन बना लिया है कि अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक, हर्मिट के बाद चैरियट आया था, यानी कि उन्होंने शायद ये आपसे ही सीख लिया कि जज्बात को कंट्रोल करना और अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लेने में ही शायद बेहतरी है, वरना मामलात ख़राब हो सकते हैं। विद दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हैं वो किस तरीके से उसके ऊपर बैठ गए, जस्ट लुक एट इट, वो बैठ गए, वो कह रहे हैं ऐसी की ना तैसी, चलो जज्बाती अपने उमड़ लो, बिल्ली भी बेचारी बाहर देख रही है, इससे तो अच्छा था मैं बाहर ही सही थी। तो ये वाली कुछ सिचुएशन हुई है, और डिसीजन क्या है, डिसीजन यही है ओके फाइन, इसी तरीके से रहना चाहिए और इसी तरह से होना चाहिए ताकि किसी की भी लाइफ में कोई मैसअप ना हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड हों, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, एंड यू ऑल्सो फील बेटर, आप भी अच्छा महसूस करते हैं कि चलो कुछ नहीं तो कोई तो ज़िंदगी में है। लेट्स सी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ है, कोई ना कोई बात ऐसी हुई है, शायद इन्होंने आपको ऑफर कर दी थी, आपने खफगी का मुजाहरा किया। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, ओहो ये तो कुछ और मतलब है। चलें, शायद जो कुछ भी हुआ इनको पता था कि ये क्यों कर रहे हैं, ये कोई अनजान और मासूमाना तौर पर नहीं हुआ, जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान हुआ है, आप समझते हैं जो हुआ है वो इनको पता था कि क्या हो रहा है। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग, इनको पता था कि क्या कर रहे हैं, अगर ये आपको पटा रहे थे, घेर रहे थे और पत्ते फेंक रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो इनको पता था ये प्लान के साथ है। आई एम नॉट अवेलेबल, ओके ये अभी अवेलेबल नहीं है इस वक्त किसी भी चीज़ के लिए, ओके व्हाट एल्स, बड़े से मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, एंड व्हाट एल्स, वन मोर, जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, वो तो केयरिंग कनेक्शन में वैसे ही आ गया। बॉटम ऑफ द डेक, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी बातें आपकी इनको आपकी याद दिलाती हैं, जब आप होते हैं इनके साथ तो इनको बहुत एनर्जाइज्ड फील होता है, बहुत अपने अंदर ये सूदिंग और हीलिंग महसूस करते हैं, लेकिन अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, या शायद ये कहना चाह रहे हो कि मैं जिस तरह से अवेलेबल होना चाहता हूँ मैं उस तरीके से अभी अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझको बहुत सारी इंटॉक्सिकेशंस या टॉक्सिक एनर्जी से रिलीज़ करता है, और मुझे ये भी पता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रहा था या कर रही थी वो मुझको मालूम था, मैंने कोई भी चीज़ अनजाने में नहीं की, और आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है जनाब, ये आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है। चलें आपके लिए एंजल आंसर लेती हूँ, वरना मैं एडवाइस लेने वाली थी, एडवाइस मुझे ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रही, अगर ये प्राइवेट रीडिंग किसी की होती तो डेफिनेटली एडवाइस होती, लेकिन अभी मुझे एडवाइस नज़र नहीं आ रही। आप अपना क्वेश्चन पूछें, ठीक है, और आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ।
अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगे कि आपको यहाँ पर मिल गया है उसका आंसर, तो वो मत पूछिएगा। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, ठीक है, फोकस ऑन योर क्वेश्चन, राइट, फोकस ऑन योर क्वेश्चन। खुद ही आया है भाई, रिकंसिडर। जो भी बात आप लोगों के दरमियान हुई है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो ये यस है, ठीक है, बस यस है। अब मैं आपको उसकी डिटेल ही बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यस और नो की बात है। अगर इसको भी एक्सप्लेन करने बैठ गई तो फिर टाइम लग जाएगा, सही है। रिकंसिडर, इट्स अ यस बट अ वेरी स्लो यस, ठीक है, प्रॉम्प्ट यस नहीं है, स्पॉन्टेनियस यस नहीं है, बहुत स्लो यस है, ठीक है। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, आप इसको देख लें। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। वीकेंड आने वाला है, मैं पहले से बता दूं, और वीकेंड पे मैं अवेलेबल होंगी, तो बुक योर स्लॉट एंड टेक योर प्राइवेट रीडिंग, ठीक है। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, राइट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब रहें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ योर सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।